हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रसोई ट्रीट्स। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट सूजी के लड्डू, जो बहुत ही झटपट बन जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है। जब इस लड्डू का मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है, तब यूजुअली मैं इसको एकदम ठंडा करके एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देती हूँ। फिर जब बच्चों को कुछ मीठा खाने का मन होता है, तब उसमें केसर वाला दूध मिला के इसके लड्डू बना देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई गरम कीजिए, एक बड़ा चम्मच घी डालिए। एक कटोरी सूजी लेंगे और मध्यम आंच पर भूनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ एक टेबलस्पून घी यूज़ किया है। इन लड्डुओं की यह खासियत है कि ये कम घी में ही बहुत स्वादिष्ट बन जाते हैं। यहाँ पर सूजी का कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ हमें तब तक भूनना है जब तक अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। मेरे पास नारियल का गोला पड़ा था, उसको मैंने ग्रेट करके रखा है। आप चाहे तो रेडीमेड नारियल का बरूदा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि अगर आप ताज़ा कसा हुआ नारियल यूज़ कर रहे हैं तो शुरू में ही सूजी के साथ भूनेंगे, क्योंकि ताज़े नारियल में मॉइस्चर होता है। अब इसमें मैं आधा कप नारियल का बूरा ऐड कर रही हूँ और फिर इसको लो फ्लेम पर अच्छे से 2-3 मिनट भूनेंगे। सूजी और नारियल को भूनते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें एक बड़ा चम्मच खसखस और 2 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम मिलाएंगे। 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे सूजी के मिक्सचर को, जैसे हमारा ड्राई फ्रूट भी इस मिक्सचर के साथ अच्छे से भुन जाए। मैं यहाँ ड्राई फ्रूट को अलग से रोस्ट नहीं कर रही, सूजी और नारियल के मिक्सचर के साथ ही रोस्ट कर रही हूँ। सूजी को भूनते हुए 8-9 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया। इसमें एक बड़ा चम्मच किशमिश मिला रही हूँ, आधा कटोरी पिसी हुई चीनी और एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर। केसर को 15 मिनट मैंने दूध में भिगो के रखा था। अब इसके 4 बड़े चम्मच सूजी में मिलाने हैं। अब इसको अच्छे से मिला के हमें लड्डू बनाने हैं। लड्डू चाहे सूजी के हो या बेसन के हो, दोनों ही बहुत ही अच्छे दिखते हैं और बहुत ही टेम्पटिंग भी लगते हैं। क्यों ना इस बार हम सूजी के लड्डू ट्राई करें। देखिए कितनी फटाफट बन गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।